भारत या दुनिया का कोई भी देश, भूतों और अस्तित्व से जुड़ी अनेक रहस्यमय घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत और आत्माओं का अस्तित्व होता है, जबकि कुछ लोग इन सब बातों को नहीं मानते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमय जगह, जहाँ जाने का मतलब आपकी मौत को गले लगाना है। ऐसी जगह जहाँ जाना सख्त मना है। वैसे तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उस जगह पर एडवेंचर का लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं। ऐसी जगह पर जाने के लिए आज ही प्रतिबंध है, क्योंकि वहाँ जाने पर वापस लौटने की संभावना बहुत ही कम है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आपको बताते हैं ऐसी ही पांच जगहों के बारे में। नंबर एक, बीचवर्थ का पागलखाना, ऑस्ट्रेलिया। यह पागलखाना पृथ्वी की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। बीचवर्थ का पागलखाना ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया नामक स्थान पर स्थित है। यह जगह 1867 से 1995 तक पागल व्यक्तियों का अस्पताल था। इस पागलखाने में एक साथ 1200 मरीजों की रहने की व्यवस्था की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि बीचवर्थ के पागलखाने के लगभग 130 साल के इतिहास में लगभग 9000 से ज़्यादा लोग मरे थे। और वहाँ के लोगों का मानना है कि इस पागलखाने में आज भी उनकी आत्माएं हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज भी लोग वहाँ जाने से डरते हैं। नंबर दो, ओक फिनों की दलदल, जॉर्जिया। आज हम आपको जॉर्जिया के उस जंगल के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर पक्षी घास से लेकर जहरीले जीवों का राज है। यहाँ का वातावरण ऐसा है कि हर एक कदम पर मानो मौत आपका इंतजार कर रही हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जॉर्जिया के सबसे खतरनाक जंगल ओक फिनोकी की। ओक फिनोकी स्वाम के नाम से फेमस इस जगह पर इंसानों का जाना मना है, क्योंकि यहाँ जाना उनकी मौत की वजह बन सकती है। ओक फिनोकी दलदल जॉर्जिया की ऐसी जगह है जहाँ घास भी इंसानों की जान ले सकती है, और तो और इस जगह रहने वाले जहरीले जीव भी बहुत खतरनाक है। इन सब वजहों से लोग यहाँ आने से पहले अपना रास्ता बदल लेते हैं। इस जगह को लोग कांपती धरती भी कहते हैं। जॉर्जिया स्टेट में स्थित ओक फिनोकी दलदल में हजारों सालों से पांस नाम की घास फैल रही है। इसी घास के कारण जो यहाँ मकान हुआ करते थे वो भी इनकी चपेट में आ गए और ध्वस्त हो गए। नंबर तीन, भानगढ़ का किला, राजस्थान। राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ का किला डरावना होने के चलते दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का वातावरण ही ऐसा है जिससे किसी की मौजूदगी महसूस की जा सकती है, और लोगों को अचानक बेचैनी महसूस होने लगती है। हालांकि फिर भी भानगढ़ घूमने आने वालों की संख्या काफ़ी अधिक है, लेकिन सरकार ने भी पर्यटकों को यहाँ अंधेरा होने से पहले चले जाने की चेतावनी जारी कर रखी है। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में इसी शहर में रहने वाले एक जादूगर को भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती के साथ प्यार हो गया था, और तांत्रिक ने अपने काले जादू की मदद से रानी को अपने वश में कर लिया। लेकिन बाद में एक दुर्घटना के कारण उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिक ने मरते वक्त भानगढ़ के किले को श्राप दे दिया और कहा यह जल्दी ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। उस श्राप के बाद इस किले में रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा इस किले के अंदर भ्रमण करने लगती है। नंबर चार, बोलर रेक्टोरी, इंग्लैंड। बोलर रेक्टोरी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह इंग्लैंड की सबसे डरावना घर माना जाता है। बोलर रेक्टोरी घर 1863 में हेनरी डासन एसिल बुल के लिए बनाया गया था। इसे विक्टोरिया हवेली भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस हवेली में 13वीं शताब्दी में यहाँ के एक चर्च की नन बोलरे मठ के एक बिच्छू से प्यार करती थी। इसी कारण वहाँ के लोगों ने इन दोनों को पकड़कर मार डाला था। बिच्छू को फांसी पर लटकाया गया, जबकि नन को ईंटों से बने तहखाने में
जिंदा दफना दिया गया था। इस हवेली में आज भी उन दोनों की आत्मा घूमती रहती है। लोगों का कहना है कि उस दिन के बाद से जब भी कोई इंसान उस घर में जाता है, वह तो उसकी मृत्यु हो जाती है या तो वो पागल हो जाता है। गोस्ट हंटर्स इसे इंग्लैंड का सबसे खौफनाक घर मानते हैं। नंबर 5, हाईगेट कब्रिस्तान, लंदन। यह हाईगेट कब्रिस्तान रात को एक हॉरर फिल्म की तरह दिखाई देता है। यह लंदन की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। हाईगेट कब्रिस्तान उत्तरी लंदन में बनाया गया एक कब्रिस्तान है। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान के अलावा यह कार्ल मार्क्स की कब्र के लिए भी दुनिया भर में विख्यात है। यह कब्रिस्तान बहुत ही बड़ा है, इसमें ना जाने कितने लोग दफन हैं। जब लोग यह कब्रिस्तान में आते हैं तो उन्हें किसी का आभास होता रहता है और कई बार लोगों ने वैम्पायर्स को देखे जाने का दावा किया है। यहाँ पर सबसे पहले जो मामला सामने आया था वह यह था कि दो छात्र अपने स्कूल से शाम के समय लौट रहे थे। जब कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो उन्हें अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और वह दोनों जब कब्रिस्तान के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी कब्र से शव को निकाल कर उसका खून पी रहा था।